तकरीबन 9.5 घंटे पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम आवास में लौट चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। दादा, मुख्यमंत्री जी लौटे, आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी लौटे, बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हुई, वो बहुत सेटिस्फाइड थे और उनकी जो भी जिज्ञासाएं थी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया। एक जो खबर अंदर से निकल कर के आई कि जो 3 पन्नों का जो एक पत्र दिया गया था जिसमें सीएम ने कहा कि भाई जब 750 करोड़ रुपया रॉयल्टी ही आता है तो 1000 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है? लेकिन वो पत्र आपके पास भी है, वो पत्र ईडी के पास भी है। लेकिन ईडी ने शायद उस पत्र जो वो दलील दिया गया उस पत्र के जरिए उसको खारिज किया कि भाई ये तो राजस्व का मामला नहीं है, ये तो घोटाले का मामला है, अवैध खनन का। देखिए, जो भी जिज्ञासाएं थी उनको बता दिया गया है, आगे भी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। जब जा रहे थे सीएम ईडी दफ्तर और जब लौटे, आप कैसे देखते हैं उनको पूरे इस चीज? हर कार्यकर्ता जितना नॉर्मल रहता है और चुनौतियां जितनी गंभीर होती है हम उतने और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक हमारी जो चमक है वो निखरेगी नहीं। कल्पना सोरेन गई अचानक से सीएम के निकलने से महज 10 मिनट पहले, फिर कल्पना सोरेन जी लेकर के आई सीएम को, ये क्या एक कोई मैसेज देने की कोशिश है इन दोनों को एक साथ तस्वीर? ये मानविक चीजें हैं। जब भी कोई 9.5 घंटे बाहर रहता है तो घर परिवार के लोग में एक उत्कंठा रहती है, उसी को जानने गई थी फिर सांस में लौटी। कल फिर बुलाया गया, कल क्या फिर से? कोई अभी उसका कोई संवाद नहीं। अच्छा दादा, ये बताइए कि क्या आप लोग ये मान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मान रहा है कि संकट टल गया है, या फिर अभी भी जो तैयारी चल रही है संगठन की, खासकर की यूपीए की, वो जारी है आप लोगों की? देखिए, संघर्ष हमारा रास्ता है और चुनौतियां हमारी गहने हैं। ये संघर्ष हमारे साथ लगा रहेगा और जब तक यहाँ से भाजपा का अंत नहीं होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। एक सवाल जो पूरे झारखंड के मन में है वो ये है कि ठीक है, आप लोग दावा कर रहे हैं और संख्या दिख भी रहा है कि यूपीए के पास संख्या है सरकार चलाने के लिए, लेकिन खुद चूंकि ये निजी संकट है मुख्यमंत्री पे, उनकी विधायकी पे, उनसे जो जुड़ा हुआ कई सारा आरोप है, चाहे वो ईडी में हो, चुनाव आयोग में हो, राजभवन में जो हो, क्या सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन कंटिन्यू करेंगे, ये आप झारखंड की जनता को बताएंगे? निश्चित तौर पे। और देखिए, ये व्यक्तिगत संकट नहीं है, सीबू सोरेन परिवार का संकट, संपूर्ण मूलवासी आदिवासियों के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ संकट है, संघर्षशील लोगों का संकट है, किसान मजदूर का संकट है और उस संकट से हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो हमला है वो पूरे आदिवासी समुदाय पे हमला है? संपूर्ण मूलवासी आदिवासी मजदूर किसान महिला नौजवान छात्र सब पर हमला है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से जो हमला किया जा रहा है सोरेन परिवार पे वो कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है बल्कि पूरे आदिवासी मूलवासी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। शुक्रिया।